फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाली हमारी सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो है वो किया था मोनोपोली एक्सप्लोइटेशन। अब हमारा जो है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है मोनोपसोनिस्ट एक्सप्लोइटेशन। अब ये क्या होता है, देखो मोनोपसोनिस्ट का मतलब होता है कि यू आर दी ओनली एम्प्लॉयर, ठीक है, आप सिर्फ अकेले ही एम्प्लॉयर हो उस लेबर के लिए जो वहां पर लेबर है, ठीक है। जैसे कि सपोज रेलवे, इंडियन रेलवे है, ठीक है, इंडियन रेलवे की मोनोपोली तो है ही है, ठीक है, रेलवे और कोई तो है ही नहीं। प्लस जो इंडियन रेलवे है, जहां से रेलवे का सामान बनता है, मतलब रेलवे की जो आउटर बॉडी है, वो सब जो तैयार होती है, वो एक ही एक पर्टिकुलर जगह है, एक ही पर्टिकुलर फर्म है जहां से रेलवे अपना सारा सामान बनवाती है, खरीदती है, ठीक है। तो वो मोनोपसोनी है, ठीक है, जहां से जो रेलवे है अपना सारा सामान लेके आ रही है, ये वो क्या है, वो मोनोपसोनी है, क्योंकि वही जो है, जो जहां से रेलवे को सारा सामान मिलता है, वही वहां पर सिर्फ इकलौती एम्प्लॉयर है उस लेबर को अपने वहां काम देने वाले, ठीक है, वही जो है एम्प्लॉयर है। तो ये केस आता है इस मार्केट के अंदर जब हम मोनोपसोनिस्ट एक्सप्लोइटेशन की बात करते हैं, कि आप उस एरिया के इकलौते एम्प्लॉयर हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे सपोज ये कोई विलेज है, ठीक है, यहाँ पर दूर दूर तक, मतलब ये विलेज प्लस आज 8-10 विलेज आस पास के, लगा लो 20-30 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल है जो सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, ठीक है, एक ही हॉस्पिटल है 20-30 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। और वहां पर नर्सेज जो हॉस्पिटल में काम करेंगी, वो जो है, अब वो ओनली हॉस्पिटल है जो वहां जो आस पास 8-10 गाँव की जो नर्सेज है उनको जॉब देने वाला, ठीक है। तो मोनोपसोनी का मतलब होता है कि आप इकलौते एम्प्लॉयर हो उस एरिया के अंदर या उस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि वो हॉस्पिटल वाला होगा कि वो जो 8-10 विलेजेस हैं उनके अंदर जितनी भी नर्सिस हैं उनको काम देने वाला सिर्फ एक इकलौता हॉस्पिटल वही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मोनोपसोनी है, इसकी मोनोपसोनी है, ये सिर्फ अकेला एम्प्लॉयर है वहां पर उनको काम देने वाला, ठीक है। अब देखो इस हॉस्पिटल की वहां पे क्या है, मोनोपसोनी यानी वो ओनली एम्प्लॉयर है, इसका मतलब इसकी इस हॉस्पिटल की वहां क्या है, उन 8-10 गांव में मोनोपोली भी है और कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक और हॉस्पिटल खुल जाए तो इसकी मोनोपसोनी रहेगी नहीं, फिर वो उस हॉस्पिटल में भी नर्सिस काम कर सकती हैं, ठीक है। तो जब कोई मार्केट में कोई फर्म मोनोपसोनी है तो इसका मतलब वो गुड मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक मोनोपोली वहां पर मिलेगी हम लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा केस होता है मोनोपसोनिस्ट एक्सप्लोइटेशन का, मतलब कि जहां हमारी गुड मार्केट के अंदर मोनोपोली हो और हमारी फैक्टर मार्केट के अंदर मोनोपसोनी का सीधा मतलब ये है कि यहां पर बेचने वाला अकेला है और यहां जॉब देने वाला अकेला है, ठीक है। तो जैसे कि ये 8-10 विलेजेस हैं जिनके अंदर नर्सेज हैं काफी सारी, और इन 8-10 विलेजेस में सिर्फ एक ही जो है हॉस्पिटल है, तो वो एक ही हॉस्पिटल इन 8-10 विलेजेस की नर्सेज को क्या कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है। तो ये ओनली एम्प्लॉयर है इन 8-10 विलेजेस के अंदर। तो जब ये ओनली एम्प्लॉयर है तो इसका मतलब ये ओनली मोनोपोली भी है इसकी उस एरिया के अंदर, यानी कि वहां पर जो लोग पेशेंट आएंगे वो भी सिर्फ उसी हॉस्पिटल में जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब किसी की मोनोपसोनी होती है तो ऑटोमेटिक उसकी गुड मार्केट के अंदर मोनोपोली होती है, ठीक है। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन ये भी दिखे कि सिर्फ मोनोपसोनिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है फैक्टर मार्केट में, आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक ये अज्यूम करके चलोगे कि गुड मार्केट में मोनोपोली है, क्योंकि जब किसी की मोनोपसोनी होगी फैक्टर मार्केट में तो उसकी गुड मार्केट के अंदर मोनोपोली होगी ही होगी, ठीक है। अब जो अब अलग से ही कोई केस दे दिया तो वो एक अलग सीन है, वरना ये जो है इम्प्लिसिट है कि अगर हमारी फैक्टर मार्केट में मोनोपसोनी है तो गुड मार्केट के अंदर मोनोपोली होगी ही होगी, ठीक है। ये जो है हमारा, ये जो केस है, ये केस हमारा बेसिकली क्या है, हमारा काम करता है जैसे हमारी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन काम करती है, जहां हमारा MR हम MC के इक्वल इक्वेट करते थे, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल इक्वेट करते हैं, ये उसी तरह हमारा केस काम करेगा। ये अभी तक हम लोग MRP VMP उनको डिमांड कर लेके चल रहे थे, यहाँ थोड़ा सा अलग डिफरेंस आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कैसे आएगा। उससे पहले वहां तक जाने से पहले हम इसकी अजम्पशंस कर लेंगे। तो अजम्पशंस हमारी क्या हो जाएंगी, सेम देयर इज अ मोनोपोली इन द गुड मार्केट एंड मोनोपसोनी इन द फैक्टर मार्केट, ठीक है।
अब हमारी ना तो वेजेस कॉन्स्टेंट होंगी ना ही प्राइस कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है, ना तो वेजेस कॉन्स्टेंट है ना ही हमारे प्राइस कॉन्स्टेंट है। थर्ड, अब देखो ये जो फैक्टर मार्केट है हमारी, यहां पर जो वो नर्स है 8-10 विलेजेस की, ठीक है, उन नर्सेज को बोला जाए कि हम आपको सिर्फ पर डे के 50 रुपए ही देंगे, तो बहुत कम नर्स काम करना चाहेंगी। लेकिन अगर आप वेजेस को बढ़ा दोगे से 50 से 100 रुपए कर दो, तो शायद थोड़ी और नर्स काम करने लग जाएगी। आप 100 से सीधा 200 कर दो तो और नर्स एग्री हो जाएंगी काम करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब हम मोनोप्सोनी मार्केट की बात करेंगे तो हमारी सप्लाई कर्व जो होगी वो कैसी होगी, अपवर्ड होगी। फर्म के लिए भी वही है और जो हमारी मार्केट है उसके लिए भी वही है, क्योंकि वो अकेली है, अकेली फॉर्म है, अकेली फॉर्म है तो मार्केट भी उस अकेले की ही है, ठीक है। तो हमारी यहाँ सप्लाई कर्व क्या होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी, अपवर्ड सप्लाई कर्व होगी हमारी। अपवर्ड क्यों होगी हमारी बेसिकली सप्लाई कर्व, क्यों अपवर्ड सप्लाई कर्व, बिकॉज हमारी फैक्टर मार्केट के अंदर मोनोप्सोनी है, लेबर जो है वो तभी ज्यादा काम करने जाएगी, लेबर सप्लाई तभी इंक्रीज होगी जब हमारी वेजेस इंक्रीज होगी, ठीक है। लेबर सप्लाई विल इंक्रीज व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन द वेजेस, दैट्स व्हाई लेबर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो हमारी लेबर सप्लाई कर्व कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अगर वेजेस ज्यादा है तभी ज्यादा लेबर जो है वो काम करने के लिए तैयार होगी, ठीक है, लेबर की सप्लाई कर्व है ये, ठीक है। तो हमारा एक अजम्पशन क्या हुई कि मोनोपोली यहाँ है और मोनोप्सोनी यहाँ है, फर्स्ट अजम्पशन। दूसरा, ना प्राइस कॉन्स्टेंट होंगे ना वेजेस कॉन्स्टेंट होंगी। थर्ड, हमारी अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होगी। फोर्थ, हमारी जो फॉर्म है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होगी। और फिफ्थ, हमारी सेल कि हमारा जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो काम करेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर, अभी तक ये जो जितने भी हम मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी करी या मोनोप्सोनी का एक्सप्लोरेशन, सबके अंदर ये अजम्पशन लेते हैं कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जो है काम कर रहा है, यानी कि हम सिर्फ डाउनवर्ड पोर्शन ही लेते हैं कोई भी कर्व का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक नया कंसेप्ट आता है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी वेजेस कॉन्स्टेंट होती थी, ठीक है। अभी तक हमारी वेजेस क्या होती थी, कॉन्स्टेंट होती थी, ठीक है। यानी कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी में तो वेजेस भी कॉन्स्टेंट, प्राइस भी कॉन्स्टेंट होता था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट आया, जिसके अंदर हमारी क्या हुई, मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन, प्राइसेस तो जो है वेरिएबल हो गए, लेकिन हमारी जो वेजेस है वो अभी भी कॉन्स्टेंट थी। तो जब जैसे ही प्राइस वेरिएबल हुए, हम लोग AR और MR वाला कंसेप्ट की थ्रू हम क्या लेके आए, VMP और MRP, दो कंसेप्ट अलग अलग लेके आए। अब थर्ड जब हमारा केस आया, जब हमारी वेजेस भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तब हमारा यहाँ पर कंसेप्ट आता है एवरेज एक्सपेंडिचर या मार्जिनल एक्सपेंडिचर का। तब हमारा कौन सा कंसेप्ट आता है, एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि अब यहाँ पे वेजेस ले लो, यहाँ लेबर ले लो, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट। अगर आप वेजेस 10 दे रहे हो तो मान लो 2 लेबर काम करने को तैयार है। अगर आपने वेजेस बढ़ा दी तो मान लो ज्यादा लेबर काम कर रही है। और वेजेस इंक्रीज कर दी तो मान लो और ज्यादा लेबर काम करने को रेडी है। टोटल कॉस्ट क्या आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। MC क्या होगा, इसके अंदर जो चेंज आ रहा है, 20 से 80 हो गया 60 का चेंज, फर्स्ट में खाली, फिर 80 से 180 100 का चेंज। एवरेज हमारा जो कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, एवरेज कॉस्ट हमारी बेसिकली क्या होती है, ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। तो 20/2 10, ठीक है, 80/4 हमारा कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह हमारा एवरेज कॉस्ट निकलेगी। एवरेज एक्सपेंडिचर, इसको टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कॉस्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ये एवरेज एक्सपेंडिचर, मार्जिनल एक्सपेंडिचर लिखा मिलेगा, कुछ में आपको टोटल फैक्टर कॉस्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, एवरेज फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, सेम ही चीज बात करें। तो यहाँ पर अब हमारा जो हम लोग वेजेस को अभी तक कॉन्स्टेंट लेके चल रहे थे, वो हमारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब हमारे दो नए कंसेप्ट आते हैं, एवरेज एक्सपेंडिचर, मार्जिनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सप्लाई कर्व हमारी कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ, क्योंकि आप ज्यादा वेजेस दोगे तभी ज्यादा लेबर काम करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी एवरेज और मार्जिनल एक्सपेंडिचर भी ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर, मार्जिनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एवरेज जो है कम है और मार्जिनल ज्यादा है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर ये है और मार्जिनल एक्सपेंडिचर हमारी ये है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर, मार्जिनल एक्सपेंडिचर। अब ये जो गैप है, ये आपको जैसे हम ARMR के अंदर गैप आता है, ऐसे ये वाला गैप भी आता है हमारा। तो ये एवरेज एक्सपेंडिचर कर, मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर। और जो हमारी सप्लाई कर्व होती है, लेबर की सप्लाई कर्व, वो होती है हमारी एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व। जैसे हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब कोई भी हम मार्केट की जब भी हम बात करते हैं, तो हमारी सप्लाई कर्व जो है हम वहां पे लेके चलते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व को लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो एवरेज
एक्सपेंडिचर कर्व है वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सप्लाई कर्व हो जाएगी। लेबर जो है वो सप्लाई कर रही है अकॉर्डिंग टू एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सप्लाई कर्व क्या होती है, एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व होगी यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो किया, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि मोनोक्सोनी क्या होता है, देन हम लोग बताएंगे कि अजम्पशंस क्या होंगी हमारी, ठीक है। देन हम लोग ये बताते हैं कि एवरेज एक्सपेंडिचर और मार्जिनल एक्सपेंडिचर का हम यहाँ पे कंसेप्ट लेके आते हैं, क्योंकि वेजेस कॉन्स्टेंट नहीं होती है, राइट। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट, देखो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो कि हमारा जो एवरेज होता है जब हम ये करते हैं तो एवरेज यहाँ होता है और मार्जिनल यहाँ होता है, लेकिन जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो एवरेज नीचे है और मार्जिनल ऊपर है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इज अपोजिट टू प्रोडक्शन, यहाँ हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, फायदे की चीज, कॉस्ट नुकसान की चीज। तो इसलिए अगर जो इसमें होगा वो उसके उल्टा वहां होगा, ठीक है। तो इसलिए जब हमारा यहाँ सप्लाई कर्व की बात होती है तो हमारी जो एमसी कर्व होती है, ठीक है, जो हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वो सप्लाई कर्व होती है, लेकिन जब हम वेज फैक्टर मार्केट की बात करें तो एवरेज वाली हमारी सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं हमारा क्या क्या हमने करा, ठीक है। तो ये हमारी होगी वीएमपी कर जो अभी तक हम लोगों ने करी है, ये हमारी होगी एमआरपी कर, ये हमारी एवरेज एक्सपेंडिचर, ये हमारी मार्जिनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमारे यहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन मोनोप्सोनिस्ट मार्केट, ये तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, जहां पर हमारा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा मार्जिनल एक्सपेंडिचर या मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के, ठीक है। कुछ बुक्स में मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट भी गिवन होगा, एक ही चीज है। तो जब भी हमारा एमआरपी कर्व, आपको कोई भी एग्जाम मिलेगा कोई भी एक लिखना है, अगर आप शुरू से मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट लिख रहे हो तो एमएफसी लिखना है, और अगर आप शुरू से ये लिख रहे हो तो ये लिखना है। तो एमआरपी हमारा कर्व क्या होता है, डेल टी आर बाय डेल एल, यानी कि टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन लेबर। मार्जिनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन लेबर, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होती है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होगी, डेल टी आर बाई डेल एल इज इक्वल टू डेल टी ई बाई डेल एल, जहां पे हमारा ये एमआरपी के इक्वल हो जाएगा और ये हमारा मार्जिनल एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाएगा। तो जहां ये इक्वल आएगा वो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होगी। तो हमारा ये एमआरपी है और ये एमवी है, तो ये इक्वल कहां आ रहे हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है। यहां पर ये दोनों इक्वल है, तो ये जो है हमारा बेसिकली ये लेबर एम्प्लॉयड होगी एल स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि जो हमारी वेजेस दी जाएंगी ना लेबर को, जब भी हम सॉरी ये यहां नहीं आएगा, ये हमारा एमआर और एमई, तो एमआर और एमई यहाँ है, तो एमआर और एमई यहां पर आएगा, ठीक है। सॉरी, ये एल स्टार हमारी लेबर एम्प्लॉयड होगी, और जहां पर हमारी जो वेजेस होती है ना वेजेस, देखो हम लोगों ने क्या किया कि सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंग हम वेजेस देते हैं, कि अगर ये सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंग हम वेजेस दे रहे हैं सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व क्या है, एवरेज एक्सपेंडिचर, तो हम वेजेस किसके अकॉर्डिंग देंगे, एवरेज एक्सपेंडिचर। तो एवरेज एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हम वेजेस देंगे, तो हम कितनी वेजेस दे रहे हैं, इतनी। तो हम ये एल स्टार लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं और वेजेस हम दे रहे हैं इतनी, ठीक है। अब अगर हम ये लेबर एम्प्लॉय करते परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो हम वेजेस देते इतनी, वेजेस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर यही लेबर हम एम्प्लॉय करते इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तब हम वेजेस देते इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेकिन हम मोनोप्सोनिस्ट में इतनी वेजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम कितना एक्सप्लोइटेशन हो रहा है लेबर का, मतलब इसके अंदर हमारी वेजेस किसके इक्वल आती थी, वीएमपी के, इसके अंदर एमआरपी के, और इसके अंदर तो बिल्कुल ही एमआरपी से भी कम वेजेस आ रही है, ठीक है। एमआरपी कब यहां है और वेजेस मिल रही है इतनी, तो एमआरपी से भी बिल्कुल कम वेजेस मिल रही है हमारे को यहां पर, ठीक है। तो एल स्टार के ऊपर हमारा डब्ल्यू एम, ये हम वेजेस पे कर रहे हैं, ये हमारी लेबर एम्प्लॉयड है मोनोप्सोनिस्ट एक्सप्लोइटेशन में। तो हमारी यहाँ पर वेजेस क्या है, एमआरपी से भी कम है, तो यहां हमारा एक्चुअल में लेबर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है रॉबिन्सन और चैम्बरलिन दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग अगर तीनों मार्केट को कंपेयर करें अभी तक, जिसमें हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा, तो वो कैसे बनेगा हमारा डायग्राम, you
ये हमारे यहां पर क्या हो जाएगी, लेबर एम्प्लॉयड, ये लेबर एम्प्लॉयड होगी और यहां पर हमारा हो जाएगा वेजेस, ये हमारा थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, तो ये हमारा हो गया एमआरपी, ये हमारा हो गया बीएपी, ये हमारी होगी एवरेज एक्सपेंडिचर और ये होगी हमारी मार्जिनल एक्सपेंडिचर और यही हमारी है सप्लाई कर। तो अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से काम करें तो हम क्या करेंगे, हम सप्लाई कर को वीएमपी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी परफेक्ट कंपटीशन में ये डिमांड कर होती है, तो डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर परफेक्ट कंपटीशन, तो यहां वेजेस होती अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन और ये हमारी लेबर एम्प्लॉयड होती एल स्टार वन, ठीक है। तो इसको भी पी दे देते हैं कि भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर हम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन या मोनोपोली की बात करते तो हमारी डिमांड कर्व एमआरपी होती और सप्लाई तो यही है ही, तो सप्लाई और डिमांड जहां इक्वल आते हैं वो हमारी वेजेस होती, तो ये एमआरपी सप्लाई इक्वल है यहां, तो हमारी वेजेस होती एल टू स्टार, इसको बोलेंगे डब्ल्यू आई इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब जब हमारा मोनोपसोनिस्ट एक्सप्लोइटेशन मोनोपसोनिस्ट वाला केस है, तब हमारा जहां पर हमारी क्या होगी एमआर हमारा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिनल एक्सपेंडिचर के इक्वल आएगा, वहां हमारी वेजेस डिटरमाइन होगी, यानी एमआर हमारा मार्जिनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम लेबर एम्प्लॉय करेंगे एल थ्री स्टार, लेकिन मैंने बताया हम वेजेस किसके अकॉर्डिंग देते हैं एवरेज एक्सपेंडिचर, वेजेस कितनी मिलेंगी इतनी, तो डब्ल्यू एम। तो ये मोनोपसोनिस्ट, अगर हम मोनोपसोनिस्ट देख रहे हैं तो वो ये वेजेस देगी और इतनी लेबर एम्प्लॉयड होगी, अगर हमारा केस है मोनोपोली का तो इतनी वेजेस होंगी और इतनी लेबर एम्प्लॉयड होगी, अगर हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो इतनी वेजेस होंगी और इतनी हमारी लेबर एम्प्लॉयड होगी। तो देखो जब भी हमारी जो इम्परफेक्शन आती जाती है हमारी हमारी मार्केट के अंदर भी लेबर मार्केट में और हमारी प्रोडक्ट मार्केट में, तो वैसे वैसे हमारी वेजेस भी डिक्लाइन होने लग जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारी इम्परफेक्शन जो है मार्केट के अंदर एक्सप्लॉयटेशन को लेके आती है लेबर एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में भी और वेजेस की फॉर्म में भी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का मोनोपसोनिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।